बच्चे की शादी के लिए एक अच्छा गाना तो सुनाइए। माँ मुझे दूल्हा बना दे, घोड़ी पे चढ़ा दे, कि तेरी बहू लेने चला। माँ मुझे दूल्हा बना दे, घोड़ी पे चढ़ा दे, कि तेरी बहू लेने चला। तुझे याद करे तो होठों पे ये मुस्कुराहट आया करे, जहाँ भी जरा ना माया करे। साजते सवेरों में खोए अंधेरों में, कैसे बिना तेरे हम शामें गुजारे। तुझे याद करे तो होठों पे ये मुस्कुराहट आया करे। मुस्कान एक सरप्राइज की तरह आई है मेरे लिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुस्कान जैसी लड़की मुझे मिलेगी। मैं खुद को बहुत लकी फील कर रहा हूँ। जब बात स्टार्ट हुई थी मुझे तो काफ़ी लेट पता चला, घर वालों ने पहले ही सब मतलब काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुकी थी, अरेंज कर रखी थी चीज़ें कि यहाँ मिलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जब मुझे पता चला मैं थोड़ा सा हेजिटेट तो हुआ कि यंग है काफ़ी और मैं जानता भी नहीं हूँ, अरेंज मैरिज को लेकर थोड़ा फियर तो रहता है ही। तो एक तो उनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे लगे, सब लोग बहुत प्यारे थे, लेकिन जब मुस्कान ने एंट्री की मैं तो देखता ही रह गया। उसके बाद तो मतलब ना तो दिमाग में आया ही नहीं कि कुछ और सोच भी रहा हूँ मैं, ठीक है डन। बट ठीक है, बात की हमने शुरू में, मुझे लगा कि कैसे बात होगी, बट एक डेढ़ घंटा कब निकल गया हमें बात करते करते पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी बात हुई, वो भी काफ़ी ओपन माइंडेड और काफ़ी लिबरल, काफ़ी एक्टिव और बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसे बात करके, फिर एक्साइटमेंट भी हुई कि ठीक है आगे और बहुत मौके मिलेंगे साथ में रहने के, बात करने के, बहुत प्यारी लगी। फिर मैंने ट्राई किया कि बाद में और मिले, तो एक मोमेंट भी अरेंज किया कि ठीक है साथ में जाना था, मैं दिल्ली जा रहा था उसे भोपाल जाना था, तो समाओ साथ में मैंने टिकट करवा दी कि नहीं साथ में जाएंगे, पेरेंट्स को कन्विंस किया। फिर ट्रेन का जो 4 घंटे का जर्नी था वो बहुत प्यारा निकला, दोनों साथ में बात करते करते ही पूरा जर्नी निकल गई, पता ही नहीं चला, फील आ गया था कि नहीं सही है सब, बहुत अच्छी चल रही है चीज़ें, घर वालों की तरफ से बहुत सही है और लड़की तो बहुत ही प्यारी है, बहुत क्यूट है और काफ़ी एक्साइटिंग है। वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है तो अलग ही वो एक्साइटमेंट मुझे ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहानी अभी सुनी है प्यार की, छिपावे तो भी ये छिपता नहीं, फिर इन आँखों में तेरे ही मैं देख लूं, मेरे सवालों का मन में जवाब दी। बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। फर्स्ट टाइम हम प्री वेडिंग के टाइम पे ही मिले थे, तब मैं थोड़ी उनके साथ मतलब कंफर्टेबल नहीं थी, बट जैसे जैसे दिन जाता गया तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती है। जब भी मैं अगर सैड होती हूँ या मेरा मूड ऑफ होता है थोड़ा, तो उनको पता चल जाता है कि कुछ तो हुआ है आज। मैं उनसे ये चाहती हूँ कि वो जैसे अभी है, जैसे अभी मेरा ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो आगे तक वो वैसे करते रहे। और हाँ, वो हमेशा मेरे लिए सॉन्ग गाते हैं, गाना गाते हैं, तो वो गाते रहे हमेशा। क्या बताऊँ मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे, हो गई है रब दी आमदा, इतने नसीब से देखा है करीब से, नूर दिया मियां बारिशां, हो सज के जो आए तू अखियों के सामने, नजरा लगे ना मेरिया ओ मेरे माई।
खुदा चांद रात होगी इश्क वाले रास्तों पे अपनी बात होगी अंबर में तारों की बारात होगी ढूंढेगी ये दुनिया पर तू मेरे साथ होगी बाकी सारे साल वे रहना तेरे नाल वे ख्वाहिशां में जन्ना मेरिया लगाएंगे। अरे आपको लगाएंगे तभी तो आपका नंबर आएगा।